तो बच्चों आज हम करते हैं कक्षा 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां। बच्चों इतना सिंपल पाठ है कि आपके माइंड में बिठा दूंगा, आप बस साथ में बने रहो, आपका सहयोग जरूरी है मेरे साथ। कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, प्रमुख विधियां। तो बच्चों कीट नियंत्रण की प्रमुख विधि दो है। कितनी? दो। एक तो प्राकृतिक नियंत्रण और दूसरी कृत्रिम नियंत्रण। लिख दो नाम। नंबर एक, प्राकृतिक नियंत्रण और दूसरी बच्चों क्या है? दूसरी बच्चों क्या है? कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण। अब बच्चों ये जो दूसरी विधि है ना, कृत्रिम नियंत्रण, पूरा पाठ इसका है। 7 भागों में इसको डिवाइड किया गया, भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, इस तरह से 7 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया। प्राकृतिक नियंत्रण तो ओनली 4 प्रकार की है, मुख्य 4 प्रकार की। प्राकृतिक नियंत्रण को समझो पहले। देखो बच्चों, नंबर एक प्राकृतिक नियंत्रण में हम लेंगे ऋतु परिवर्तन को। क्यों लेंगे? प्राकृतिक का मतलब क्या? प्रकृति द्वारा, भगवान के द्वारा, अल्लाह खुदा के द्वारा फसलों में अपने आप ही कीटों को नियंत्रित किया जाता है। कैसे नियंत्रित किया जाता है? जैसे मान लो ज़्यादा ठंड आ गई, सर्दी ज़्यादा आ गई, तो कुछ कीट ऐसे हैं जो सर्दी में अपने आप ही मर जाते हैं, और गर्मी आने पर कुछ कीट ऐसे हैं जो गर्मी में अपने आप मर जाते हैं, कुछ कीट ऐसे हैं जो बारिश होने पर यानी वर्षा होने पर अपने आप मर जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से कुछ कीट ऐसे हैं जिन पर भूमि का प्रभाव पड़ता है। कहीं पर दलदली भूमि है, कहीं पर समुद्री भूमि है, कहीं पर झील है, नदियाँ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है। तो भूमि की बनावट से भी कीट नियंत्रित होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं प्राकृतिक शत्रु, जैसे कि मेंढक है वो छोटे कीटों को खा जाता है, जैसे कि सांप है तो वो मेंढक को खा जाता है, कुछ जैसे तितर हैं, बटेर हैं, मैना हैं, ये क्या करते हैं? छोटे कीट पतंगों को खा जाते हैं। तो ये अपने आप ही खाद्य जाल बना करके कीट नियंत्रण का सामंजस्य बिठा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। देखो प्राकृतिक नियंत्रण अच्छी तरह से आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम इसको लेंगे नंबर एक, ऋतु परिवर्तन। क्या लिखेंगे इसको? नंबर एक ऋतु परिवर्तन, पक्का याद कर लो। देखो ऋतु परिवर्तन, जिस तरह से किताब में टॉपिक टू टॉपिक दिए हुए उसी तरह से मैं आपको करूंगा। ऋतु परिवर्तन। नंबर दो भूमि रचना, भूमि रचना। नंबर तीन मैं आपको करवाऊंगा प्राकृतिक स्त्रु, प्राकृतिक स्त्रु। और नंबर चार बच्चों मैं आपको करवाऊंगा प्राकृतिक रोग। अब इनको समझो चारों को। ऋतु परिवर्तन अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, जैसे तापक्रम, वर्षा एवं नमी, इसमें मैं लिखूंगा ऋतु परिवर्तन में, जैसे तापक्रम यानी कभी गर्मी कभी सर्दी, तापक्रम, नमी, आर्द्रता, लू, आंधी, हवा, लू, आंधी, हवा, हिमपात। क्या लिख दूं? हिमपात आदि, आदि से कीट नियंत्रित हो जाते हैं,
कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है, कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस तरह से आपको ये लिखना है ऋतु परिवर्तन में। नंबर दो है भूमि रचना, कीटों के फैलाव या नियंत्रण पर स्थलाकृति कारकों जैसे, भूमि रचना में आप लिखोगे जैसे, ये जैसे को साथ में रखो बस, जैसे पहाड़, पठार, समुंदर, झील, नदियां, रेगिस्तान। नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं, रेगिस्तान, मृदा संरचना, भूतल आदि का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। रेगिस्तान आदि भू संरचनाओं का संरचनाओं का कीट नियंत्रण में बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल लीजिए। नंबर तीन हम क्या करेंगे, प्राकृतिक स्त्रु। तो बच्चों प्राकृतिक स्त्रु कैसे, एक जीव, सिंपल लिखता हूं देखो, एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है, अर्थात जीवों के मध्य खाद्य जाल होता है। जैसे मैना, तीतर, बटेर, मैना, तीतर, बटेर, कौवा गोरैया गिद्ध, ये क्या करते हैं, छोटे कीटों को खा जाते हैं। तीतर, बटेर, कौवा, गोरैया, गिद्ध, ये छोटे कीट पतंगों को खा जाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात परभक्षी जीव पर जीवियों का भक्षण करते हैं, जिसके कारण कीट नियंत्रण होता है। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो आप इसका। नंबर चार क्या लिखोगे, प्राकृतिक रोग। देखो बच्चों, प्राकृतिक नियंत्रण की विधियां हम कर रहे हैं, इसमें नंबर एक ऋतु परिवर्तन, नंबर दो भूमि रचना, नंबर तीन प्राकृतिक स्त्रु और नंबर चार प्राकृतिक रोग। कुछ रोग
यानी कीटों में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कवक, विषाणु, जीवाणु। देखो बच्चों, कुछ रोग कीटों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ कवक विषाणु जीवाणु जनित हो सकते हैं, जनित रोग कीटों में हो जाते हैं, कीटों में हो जाते हैं जिससे कीट नियंत्रण में, कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप प्राकृतिक विधि पूरी की पूरी आपको याद हो गई होगी, दोबारा रिवाइज करो। प्राकृतिक विधि चार प्रकार की है। कितनी प्रकार की? चार प्रकार की। नंबर एक ऋतु परिवर्तन, नंबर दो भूमि रचना, नंबर तीन प्राकृतिक स्त्रु, और नंबर चार प्राकृतिक रोग। प्राकृतिक रोग में विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ कवक, इन सब से कीटों में रोग हो जाते हैं जिससे बड़ी समष्टि नष्ट हो जाती है, ठीक है, और इससे हमें कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है। नंबर तीन क्या है? प्राकृतिक स्त्रु, तीतर कौआ बटेर मैना गिद्ध, ये छोटे कीट पतंगों का शिकार कर लेते हैं, कशेरुकी अकशेरुकियों का शिकार कर लेते हैं जिससे कीट नियंत्रण में मदद मिल जाती है। समझ के आ गया? समझ में? इस तरह से क्या करेंगे? प्राकृतिक नियंत्रण करेंगे हम। अब इसके बाद देखो कृत्रिम नियंत्रण। अब अगला है कृत्रिम नियंत्रण। नंबर दो विधि है कृत्रिम नियंत्रण। तो बच्चों, कृत्रिम नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कीट का जीवन चक्र क्या है, कीट का जीवन चक्र क्या है, उसकी आकृति कैसी है, कि वो उड़ने वाला है या वो रेंग कर चलने वाला है, या वो लट है, समझे, सफ़ेद लट है या सूक्ष्म है, भृंग है, वो कैसा है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम जिन रसायनों का उपयोग करेंगे वो रसायन हमारे सीमित मात्रा में हम उपयोग करेंगे, इस तरह से उपयोग करेंगे कि फसल का कीड़ा भी मर जाए और फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से हम कृत्रिम नियंत्रण करेंगे। तो कृत्रिम नियंत्रण में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि नाशक कीट का जीवन चक्र और प्राकृतिक एवं मौसमी इतिहास, स्वभाव, रहन सहन, उससे होने वाली क्षति, उससे का प्रकार एवं उसके प्राकृतिक स्त्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मैं नंबर एक ये लिख दूंगा शॉर्ट में, मतलब कृत्रिम नियंत्रण हमें किसका करना है, किसका करना है? नाशक कीट का करना है ना, जिस कीट का हमें नाशक करना है, मारना है, जिसको नाशक कीट का जीवन चक्कर, उसका स्वभाव, रहन सहन उसका रहन सहन और मौसमी इतिहास व
मौसमी इतिहास इतिहास आदि संबंधी संबंधी संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नंबर दो हम लिखेंगे। हाँ बोलो, बंद है, कोई बात को नहीं। के चलाओगा ग्लेंडर के? हाँ। तो कितनी देर में? अभी यो एक ही मिनट को काम है बस, एक मिनट में पूरा कर दूंगा। कीटों के वर्गीकरण एवं आकृति विज्ञान की ठीक जानकारी होनी चाहिए। कीटों का वर्गीकरण एवं आकृति विज्ञान, आकृति विज्ञान की ठीक जानकारी होनी चाहिए, ठीक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नंबर तीन, नंबर तीन आप इसमें लिखोगे, नस कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जा रही विधियों में से प्रभावी विधियों का निर्धारण किया जाए। नाशक कीट, क्या लिखोगे? नाशक कीट। दो मिनट रुक जाओ। नाशक कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जा रही नाशक कीट नाशक कीट के नियंत्रण के लिए नाशक कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जा रही विधियों में प्रयोग में लाई जा रही विधियों में क्या हो? विधियों में से प्रभावी विधि का चुनाव, प्रभावी विधि का चुनाव या निर्धारण, निर्धारण करना। ठीक है बच्चों, और नंबर चार आप इसमें लिखो, जिस रसायन का हम उपयोग करें वो रसायन ऐसा हो कि फसल कीट समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हो गया कृत्रिम नियंत्रण। इसके बाद में कृत्रिम नियंत्रण की ही आगे और विधियां हैं, उनको हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है।